चलो चलते हैं, मिलते हैं। हाँ आ रही आ रही। ठीक है मिलते हैं, बाय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राइड की शुरुआत हो गई है दोस्तों। यार चल तो दिए हैं, सोलो राइड है अपनी पहली, साथ दो यार दोस्तों, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। जहाँ तक हिम्मत रहेगी वहाँ तक जाएंगे, फिर वापस हो रहेंगे यार। सोलो राइड सोलो राइड। बस यार वही है ना, घर से जाते वक्त यार बड़ा मन सा नहीं लगता है यार, मन में आता है यार घर घर है यार क्यों जाना। सुबह ऐसा हो रहा था कि यार छोड़ो यार गाड़ी उठाए गाड़ी से चल ले, कहाँ बाइक वाइक से झमेला लेके चलना है यार, बाइक गाड़ी उठाओ कार अपना मस्त, अपना सामान डालो कहीं भी हो अपना, बैठो खाओ सो जाओ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन फिर वही बात है ना, गाड़ी हवा लग रही है, सोच रहा हूँ जैकेट डाल लूँ यार, सेफ रहेगा। ये नया रोड बन गया बंदे वाला, इतना डेवलपमेंट हो गया है इधर, पता ही नहीं था इधर तो। हाँ तो दोस्त देखो आ गए हम लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से पानी की बोतल एक ले लेता हूँ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में आपका स्वागत है दोस्तों। 302 किलोमीटर 63 किलोमीटर बाद एग्जिट है भाई दोस्त, देख लो भाई साहब पूरा खाली है खाली, कहीं भी कुछ भी नहीं है, देख रहे हो दोस्तों कुछ ऐसा सा नज़ारा है यहाँ पर। यहाँ पर कट है अगर जो वापस जाना चाहे तो। है आगरा चलो भैया, टोल कट गया है 330 रुपये का। बहुत दिनों से सोच रहे थे यार इस ट्रिप को करने का यार, मतलब महीने भर से प्लानिंग प्लॉटिंग सक्सेस हो ही नहीं पा रहा था, अब जाके कहीं सक्सेस हुआ है। अरे भाई साहब अंकल जी आर्मी अंकल, चलो तीन बाइकर तो देखे यार, थोड़ी हिम्मत आती है कुछ लोग दिखते हैं। जब वो पुलिस वाले जो भैया जा रहे हैं ना, इतनी फुल स्पीड चला रहे हैं ना बुलेट, भाई मैं भूल गया उनको पकड़ पाऊंगा, जबकि सामान लाद के लिए जा रहे हैं। सोचो गजब स्पीड में निकाल रहे हैं बाइक, एक्सप्रेस वे पे हैं अकेले हैं भाई, बोर हो रहे हैं यार सही में, वो मज़ा नहीं है भाई सोलो सोलो सोलो। चलो देखते हैं एक्सपीरियंस ये भी ले लेते हैं भाई, जीवन में एक्सपीरियंस होने चाहिए, फिर आगे देखा जाएगा इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ये देखो दोस्त ये एयर स्ट्रिप है यहाँ की, यहाँ पे कभी कभी एरोप्लेन लैंड करते हैं, वो जगह है ये। भाई वो बंदा कहाँ गायब हो गया यार, दिख ही नहीं रहा है लिटरली यार, सोचा था साथ में जाए वो तो हवा हवा ही हो गया। कोई भाई कोई नहीं, अपन तो अपनी स्पीड से ही चलेंगे, 180 बस। क्रॉस विंड्स बहुत भयंकर चल रहे हैं यार। हाँ तो दोस्त देखो यार
कुछ बाइकर साथी मिले हैं, आप शांति मिली है, थोड़ी अच्छा लग रहा है, वरना इतनी देर से अकेले चल चल के भाई मेरा दिमाग का दही हो गया था, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। आप शांति मिली है, कहाँ जा रहे हैं भाई? दिल्ली। अरे भाई साहब क्या व्यू है यार, ये देखो। गंगा जी, हर हर गंगे। हम जयपुर जा रहे हैं, लखनऊ। हाँ लखनऊ से घूमने जा रहे हो? रहने वाले लखनऊ के? हाँ लखनऊ गई है प्रॉपर। जयपुर जा रहे थे। हाँ चलिए साथ में चल। हर गंगे हर गंगे देखो, नजारा एकदम साफ सुथरा है भाई, गजब व्यू, बिल्कुल शानदार जबरदस्त। हाँ तो गाइस चला जाए, काफी देर रेस्ट हो गया, इतनी देर रेस्ट लेना नहीं था, लेकिन फिर भी चले भैया चले। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सामान सारा हो गया था ना, सिफई का कट आ चुका है दोस्तों। ओ नाइस, स्कॉडस लाविया, वो भी ब्लू कलर, क्या प्यारी लग रही थी गाड़ी। 108 किलोमीटर है यहाँ से अब दोस्तों, आगरा खत्म होने में और जयपुर आने में। यार ये राइडिंग पैंट मैंने बेकार ही कर ली, पता है इसका जो नी पैड है वो ऊपर आ गया है थाई पे, बैठने पे, खड़े होने में नीचे आ रहा है, बैठने पे ऊपर जा रहा है, तो ये बेकार हो गई है यार, ये टेस्टिंग फेल हो गई इसकी। मैं राइड पे निकला हूँ, यही दिक्कत होती है ना, पता है राइडिंग गियर पहन के एक बार आप लोग चेक कर लो तब जाओ, तब बेटर रहता है, वरना ऐसे कोई मतलब नहीं है भाई। कोई नहीं, अरे सर्विस एरिया 2 किलोमीटर ले, मतलब हम मतलब यार सही बताओ यार, मतलब वहां बैठ गया इतनी देर, यहाँ रुक गया होता आराम से आके। स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर एंड में है, 100 किलोमीटर 100 100 किलोमीटर बाद है, अब समझ में आया। एक तो गूगल मैप पे भी नहीं पता चलता, पता चल गया होता तो आराम से रुक गया होते यहाँ पे। सीएनजी भी 2 किलोमीटर पे है, एक व्यू ये भी है आप लोगों के लिए। जय बजरंगबली, राइड का नाम लेते हुए शुरू हो जाओ। क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता यार, अकेले यार अकेले चल चल के बोर हो गया यार। कोई सालो इतने दोस्त लोग हो, सबको बोलता है क्या थक गया कि भाई चल लो बाइक राइड पे, बाइक राइड पे नहीं, किसी को नहीं चलना है, एंड में अकेले जाना पड़ रहा मेरे को। चल लिया होता यार क्या चला जाता, नहीं किसी को नहीं आना है यार, ही तो अकेले जा रहे हैं हम विलायत घूमने, ठीक है भाई यही सही।
रिजर्व की लाइट जलने लग गई है, अभी 100 किलोमीटर पेट्रोल पंप पीछे रह गया है। चलो देखते हैं जहां तक पहुंच पाएंगे। हाँ तो दोस्तों देखो, पेट्रोल हो गया था खत्म, तो फिरोजाबाद कट पे उतर गए हैं। अगर नहीं उतरते तब दिक्कत हो जाती, आगे गाड़ी बंद हो जाती। अब आगरा के लिए फिर उससे का भैया ने कहा कि 20 रुपये की पर्ची कटेगी, कटवा के वापस से ऊपर चढ़ जाएंगे। अब देखें पेट्रोल पंप इधर किधर है। फुल कर दीजिए। जा रहे हो? राजस्थान जयपुर। अरे दोस्तों पेट्रोल भरा लिया है। फिरोजाबाद कट से उतरे थे, 20 रुपए पड़े हैं दोबारा चढ़ने के लिए। अब जा रहे हैं आगरा की ओर, देखते हैं अपनी फन्नो कहाँ तक पहुंच सकती है। मिलेंगे आपसे आगे, बने रहिए हमारे साथ। पर्ची कटवा ली है, अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं दिल्ली। जयपुर जाए या दिल्ली जाए? दिल्ली गए हुए बहुत दिन हो गए, सोच रहे दिल्ली ही मारते, देखी जाएगी। एक दो दिन दिल्ली होके हैं, जयपुर फिर कभी गाड़ी से जाएंगे 2-3 लोगों के साथ, तब मजा आएगी। प्लान में चेंजेस करते हुए हम ऑन द वे, क्योंकि यहाँ हम हो गए हैं बोर। सही बताए, पहली सोलो थी, इतने मतलब उम्मीद नहीं थी कि हम इतना बोर हो जाएंगे। हालांकि थकान नहीं हुई है, हम जाने को अभी भी जा सकते हैं जयपुर और घूम के मस्त आ जाए, लेकिन चलो देखते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मूड बन रहा है। अरे उस समय ना थोड़ी ठंड भी लग रही थी, अब थोड़ी जैसे गर्मी आ गई है और पेट्रोल भर गया है, मन अच्छा हो गया। पेट्रोल नहीं भरा था तब तक, ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं क्या ही होएगा भाई, कहाँ कट मिलेगा कहाँ क्या है। लेकिन यह सुविधा अच्छी है कि मान लो आप आगे निकल गए, कट आपका 10-15 मतलब मुझे लगता है 27 किलोमीटर बाद कट दिख गया था, और कट पे भी मैं रुका कंफर्म करने के लिए कि अगर है पेट्रोल तो ठीक है चलते हैं 100 किलोमीटर तो आई। लेकिन हिला के देखा टंकी बिल्कुल खाली, एक बूंद नहीं दिख रही भाई। मैंने कहा चुपचाप कट पे जाओ, उससे बात करते हैं, जो होगा देखी जाएगी, 100 रुपये 200 रुपये लेगा क्या करा जाएगा। लेकिन वो खैर उन्होंने कहा कि 20 रुपये पड़ेगा और पर्ची कट जाएगी 20 रुपये की, और परवा कर अपना वापस आ जाओ। तो सही था, 20 रुपये में मेरा काम हो गया, वरना अभी टाइम टाइम फेस हो जाता है यार। खैर बच गए हैं, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचेंगे, रास्ता दिखाता है। और नज़ारे तो आप देख ही रहे हो यार, एकदम बेहतरीन नज़ारे हैं यार, मजा आगे देख के अब थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। हालांकि ये है ना सामान वामान ये सब रखना पड़ जाता है ना, तो दिमाग खराब हो जाता है, झंझट होती है। सिंपल हो यार, गाड़ी में ठासा चल दिया भाई। अब मैं सोच रहा हूँ ना अगली ट्रिप मारूंगा ना, इग्नेस उठाऊंगा भाई, ऑटोमेटिक गाड़ी, चुपचाप छोटी गाड़ी कहीं भी अपना ले जाएंगे, देखे जाएगा। इससे तो बेहतर ही है यार, बेहतर क्या मतलब, इसके अलग मजे हैं उसके अलग मजे हैं, बस यही है। 5 घंटा 55 मिनट शोइंग टू जयपुर। दिल्ली जाने में तो कोई टेंशन नहीं है, दिल्ली में मेरे सब दोस्ती लोग हैं भाई, वहां पहुंचे कहीं भी किसी के यहाँ भी रुक लो आराम से। एकदम बेहतरीन शानदार नजारे आपके सामने है, देखिए क्या गजब का व्यू दिख रहा है यार, मजा आ गया देख के। तो दोस्तों आगरा का टोल आ गया है, थक गए यार।
हाँ तो दोस्त यहाँ से तो निकल लिए हैं, अब आगे देखो।